तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में उलटफेर हुआ है। विधायक मुकेश भाकर को विजेता घोषित कर दिया। पहले सुमित भगासरा के पक्ष में नतीजे आए थे, लेकिन अब पूरी तरह से तस्वीर पलट चुकी है। जी हाँ, शिकायतों के बाद जांच कमेटी ने यह फैसला लिया, मुकेश भाकर को विजेता घोषित किया गया। अब यूथ कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि पहले एक नंबर पर भगासरा रहे और अब तीसरे स्थान पर तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, चार प्रदेश सचिव के रिजल्ट जारी किए गए। मुकेश भाकर को सर्वाधिक 34,945 वोट मिले, तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे अमरदीन को 25,073 और तीसरे स्थान पर सुमित भगासरा को 23,464 वोट मिले। तो इस वक्त की अहम खबर, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, बाजी पूरी तरह से पलटती हुई दिखाई दे रही है और अब विधायक मुकेश भाकर को विजेता घोषित कर दिया है। पहले सुमित भगासरा के पक्ष में नतीजे आए थे और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके। गोवर्धन, बाजी पूरी तरह से अब पलटती हुई दिखाई दे रही है। सात साल बाद तो अध्यक्ष मिलता है, लेकिन उसके बाद भी बाजी पलट जाती है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए 3 मार्च को यूथ कांग्रेस ने चुनाव नतीजे घोषित किए थे। जो वोटिंग के रिजल्ट आए थे उसमें सुमित भगासरा को 20,000 से ज्यादा वोटों से विजेता घोषित किया गया था, लेकिन 3 मार्च के बाद जो नतीजे घोषित किए गए थे उनमें अब बड़ा उलटफेर हुआ है। और जो जांच कमेटी में मामला गया था उस वक्त, आज मुकेश भाकर जो विधायक है लाडनू से, उनको यूथ कांग्रेस के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद पर विजेता घोषित कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस जो इलेक्शन ऑथोरिटी है उनकी ओर से ही आधिकारिक तौर से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 2 प्रदेश उपाध्यक्ष और 4 प्रदेश सचिवों के भी निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो इन नतीजों में, जो 3 मार्च को नतीजों जो वोटर्स के जो आए थे, वोटर टर्नआउट किया था, हालांकि आधिकारिक तौर से 3 मार्च को घोषणा नहीं हुई थी किसको कितने वोट मिले हैं, ये घोषणा 3 मार्च को की गई थी। उसमें सुमित भगासरा को सबसे ज्यादा वोट मिले हुए दिखाए गए थे, लेकिन बाद में उस नतीजों पर आपत्तियों के बाद एक जांच कमेटी बनी और अब जो नतीजे घोषित हुए हैं उनमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं सुमित भगासरा, जिनको 3 मार्च के जो वोटर टर्नआउट था उसमें रिजल्ट्स में पहले नंबर पर घोषित किया गया था, वो अब तीसरे नंबर पर है और सुमित भगासरा का रिजल्ट भी रोक लिया गया है। अगर वोटर्स की बात की जाए, कुल वोटों की अगर संख्या की बात की जाए, किसके पक्ष में कितने वोट आए हैं, तो 34,945 वोट आए हैं मुकेश भाकर के, जबकि सेकंड नंबर पर रहे हैं 25,076 के साथ में अमरदीन, जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और अमरदीन फकीर जो है वो राजस्थान सरकार में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं साले मोहम्मद, उनके भाई हैं। तीसरे स्थान पर सुमित भगासरा रहे हैं, जिनको वोट मिले हैं 23,464, उनका रिजल्ट अभी होल्ड पे रखा गया है। बाकी के जो उम्मीदवार हैं वो साइजेबल वोट हालांकि नहीं मिला है उनको, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं दूसरे एससी एसटी में आलोरिया, उनको 3,500 वोट मिले हैं। फिर उनको आगे जो सेक्रेटरी पद पर है उनको 2,1500 इस तरह से वोट मिले। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी वो यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को लेकर के थी, और ये पहला मामला है इस तरह का कि किसी को वोट ज्यादा दिखा दिए जाए प्रदेशाध्यक्ष पद पर, वो प्रदेशाध्यक्ष बन भी जाए और उसके एक महीने बाद में इस तरह से नतीजों में उलटफेर हो जाए और जो विजेता है वो तीसरे स्थान पर पहुंच जाए। ये पहली बार देखने को मिला है। पहली बार यूथ कांग्रेस ने ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ये वोटिंग करवाई थी और ये जो ऑनलाइन पद्धति है ये शुरुआत से ही विवादों में गिर गई थी और अब ये स्पष्ट हो गया जब 3 तारीख के और आज के नतीजों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो पूरी ऑनलाइन वोटिंग की जो प्रणाली है वो अब भी सवालों के घेरे में है, जो कि पहले जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने जी बिल्कुल गोवर्धन, एक अहम सवाल, इन नतीजों के बाद अब किस तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं गोवर्धन? है कि किसी भी संगठन चुनाव में बार बार नतीजे बदलते रहे, तो ऐसे में इस चुनाव की जो विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि किसको कितने वोट मिले हैं, रिकाउंटिंग हो जाती है,
जांच हो जाती है और हाथों हाथ पता लग जाता है कि किसके कितने वोट है। अब ये नहीं हो सकता कि जो पहले एक नंबर पे था वो अब तीसरे नंबर पे पहुंच जाए और पहले जो दौड़ से बाहर हो गया था वो नंबर वन हो जाए। इसका मतलब जी बिल्कुल गोर्धन, अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तस्वीर पूरी तरह से यहाँ पर पलट चुकी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।